स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमारी सेकंड टर्म स्टार्ट हुई है। तो सेकंड टर्म में मैं आपको स्टार्ट करूंगी आपका चैप्टर 9 मेजर्स ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम? मेजर्स ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो बच्चे आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ लेंथ के बारे में। ठीक है, मास और कैपेसिटी की एक्सरसाइज आपकी अगली है, तो उसके बारे में मैं डिटेल से आपको साथ साथ में समझाती जाऊंगी। आज हम बात कर रहे हैं लेंथ के बारे में। लेंथ किसके बीच में मेजर होती है? लेंथ मेजर होती है मीटर में, सेंटीमीटर में और किलो में। ठीक है, जो आपकी मेन की लेंथ है उसे मेजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में। जैसे मैं किसी शॉप में गई, मैंने क्लॉथ लेना है, कपड़ा लेना है, तो हम बोलते हैं ना इतने मीटर दे दो, तो हमें वो काट के दे देता है, जो उसके पास जो पीस है वो भी दे देता है। तो क्लॉथ की लेंथ किसमें मेजर हुई है? मीटर। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम कहते हैं इसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर है। और किलोमीटर जैसे हमें कोई डिस्टेंस देखना हो, जैसे यहाँ से बनाना का देखना हो, मार्सल से दूर का देखना हो, डिस्टेंस किसमें मेजर होता है? किलोमीटर में। डिस्टेंस दूरी होती है ना, वो भी एक लेंथ की हो गई। ठीक है बच्चे, तो लेंथ किसमें मेजर होगी? मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। अब इनमें कनेक्शन क्या है? देखिए, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और एक किलोमीटर में कितने होते हैं हमारे मीटर? 1000। ये आपको याद करना पड़ेगा, वैसे भी आपको आता है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक किलोमीटर में 1000। ठीक है बच्चे, ये था इसका बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एट द फ्लोइंग, जिसमें आपको 4 पार्ट्स दिए हैं। मैं इसका आपको एक पार्ट करवा रही हूँ, पार्ट बी। ठीक है, देखिए पार्ट बी क्या है। 700 मीटर 3 सेंटीमीटर एंड 430 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब हमने इसको ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करोगे आपने क्या करना है, मीटर के नीचे मीटर वाली स्टेटमेंट लिखनी है, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। देखिए मीटर वाली कौन सी है? 700 के नीचे मैंने 430 लिख दिया। सेंटीमीटर वाली कौन सी है? 3 और 40। देखो 3 के आगे मैंने 0 लगाई है, क्यों लगाई है? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 में कितने जीरोज हैं? 2। तो हमें सेंटीमीटर में हमेशा 2 डिजिट चाहिए। अगर आपके पास डिजिट कम है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? 0। 0 अगर कोई डिजिट कम है तो उसकी 0 आगे लगेगी, ऐसे नहीं लिख सकते हम कहाँ 3 कहाँ 30, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिंपली प्लस कर देना है और कुछ नहीं। देखो 3 में 0 किए, 3 0 और 4 4, 0 0 0, 0 में 3 ऐड किए, 3 7 और 4 11। अगर आपके पास कोई कैरी आ जाता तो कैरी आप इधर शिफ्ट करते। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। आपका सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग, इसके भी 4 पार्ट हैं, चारों में आपने क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन। इसका भी मैं आपको एक पार्ट करवा रही हूँ, बी पार्ट। देखिए वो क्या है, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर फ्रॉम 12 मीटर 72 सेंटीमीटर। जब आपके पास बीच में फ्रॉम आ गया तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी पिछले वाली स्टेटमेंट है वो हमेशा कहाँ आएगी? ऊपर। और जो आगे वाली है वो कहाँ आएगी? नीचे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 से 0 गई 2 आ गया, 7 से 9 नहीं जाते, तो मैंने 7 का क्या बना लिया? 17। यहाँ से 1 मैंने कैरी लिया, 7 से 9 में कितना आ गया? 8। अब यहाँ 2 था, 2 की जगह कितना रह गया मेरा? 1। 1 से 4 नहीं जाता था तो मैंने एक कैरी इसको दिया, कितने बन गए? 11। फिर 11 से 4 में कितना आ गया हमारे पास? 7। इस तरह बच्चे जब भी आप सब्ट्रैक्ट और एडिशन के सम करोगे आप कैरी इस साइड से ले भी सकते हो और इसको दे भी सकते। ठीक है, तो इसका फर्स्ट और सेकेंड सीरियल नंबर की जितने भी पार्ट्स इसमें आपके रहते हैं, ठीक है, इसका भी मैंने एक पार्ट करवाया है, इसका भी एक पार्ट करवाया है, जो इसके 3-3 पार्ट्स आपके रिमेनिंग है ये आप खुद ट्राई करोगे। अब हम चलते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम आपकी 3rd है, हिना वेंट टू मार्केट, हिना बाजार गई एंड बॉट 3 क्लॉथ पीसेज ऑफ लेंथ, और उसने कपड़े के 3 क्लॉथ पीसेज खरीदे हैं, तो जिनकी लेंथ कितनी है? पहले की कितनी है? 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, तीसरे की 14 मीटर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द 3 क्लॉथ पीसेस, हमने अब तीनों क्लॉथ पीसेस की टोटल लेंथ बतानी है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे? हिना मार्केट में 3 क्लॉथ पीसेस रहने के लिए तीनों की लेंथ मेंशन कर दी। पहले लिखेंगे हम लेंथ ऑफ फर्स्ट क्लॉथ पीस, आपको इतनी दी है, फिर लेंथ ऑफ सेकेंड क्लॉथ पीस, वो भी आपको दी गई है, लेंथ ऑफ थर्ड क्लॉथ पीस, वो भी आपको दी गई है। फिर उसने पूछा है हमसे टोटल लेंथ,
किलोमीटर बाय रिक्शा। विनय कहता है रिक्शा से कितना ट्रैवल करता है, 4 किलोमीटर 500 मीटर। 7 किलोमीटर 48 मीटर बाय बस, बस से कितना ट्रैवल करता है, 7 किलोमीटर 48 मीटर। एंड 3 किलोमीटर 500 मीटर बाय ट्रेन, और ट्रेन से कितना ट्रैवल करता है, 3 किलोमीटर 500 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। रिक्शा से इतना डिस्टेंस, बस से इतना डिस्टेंस और ट्रेन से इतना डिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस